छठ पर्व सिर्फ महापर्व ही नहीं बल्कि हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है। इसलिए छठ के आगे कुछ नहीं और छठ से बढ़कर कुछ नहीं। पहले पहले हम कहली छठ मैया बरत तोहार, छठ मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठ मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। छठी माई के
घाटा बापो याजम बाजम बाजा बाजा बाई हो। Oh, yeah, yeah.
अनुसार के भू फलती वही जल बीचे बाड़ी खाड़ जी कोई दिन के भू फलती वही जल बीचे बाड़ी खाड़ जी हाथ में कल सुप लेके कल पे करेली इंतजार जी ओठावा झुराई गईले मुहावो न खुले देखो यलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार रे कोयलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार रउआ जल्दी जागी दुनिया के जगाईला हाँ हाँ रोज तरुआ जल्दी जागी दुनिया के जगाईला आज तो बदरी हटत नहीं खे कहे देर लगाईला लाल की किरिनिया देखाई गोल गोल रे कोयलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार रे कोयलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार दर्शन दी ही देव दिवा कर रखवा चढ़ के आई जी दर्शन दी ही देव दिवा कर रखवा चढ़ के आई जी नहीं अरबिया कठिन पर बिया सुफल मोर बनाई जी पंकज दीपक पवन भक्ति रस घोले रे कोयलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार रे कोयलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार उदिहे सूरज मल नहियो न डोले उदिहे सूरज मल नहियो न डोले रे कोयलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार रे कोयलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार सभी लोग अपने अपने हाथ में सुपली लेकर के भगवान भास्कर को याद करते हुए प्रणाम करते हुए खड़े रहे और सात बार परिक्रमा भगवान भास्कर के लिए करना है। छठी मैया सबका कल्याण करें यह भाव के साथ हम भगवान सूर्य को नमन करते हैं प्रणाम करते हैं। ओम ये सूर्यां सहस्रांश तेजो मराशीद रक्षते अनोकं मां भक्त्या गृहार्थं दिवाकरो। ओम ये सूर्यां सहस्रांश तेजो मराशीद रक्षते
मैया को अर्घ देने के बाद भी एक लोटे जल से शुद्ध जल से अर्घ दान अवश्य करें। और यही सूर्य सहस्रांश तेजो राशि जगतपते अनुकंपा मां भक्त्या ग्रहणाय घर दिवा करो यानी कांचवा पानी या कार्याचारिश तानी सर्वाण दशंतो प्रदक्षिणाम पदे पदे ओम भोर्वाश्व ओम भास्कराय नमः रमणे नमः दिवाकराय नमः प्रभाकराय नमः सूर्याय नमः भानवे नमः। सूर्य भगवान का अर्घदान करते रहे और सात फेरा चक्कर अवश्य लगाएं, परिक्रमा अवश्य सात बार करें, भगवान सूर्य को नमन करें, प्रणाम करें, अर्घदान करें, जल से भी अर्घदान करेंगे। ओम यही सूर्य सहस्रांश तेजो राशि जगत्पते अनुकंपा मां भक्त्या ग्रहणार्घं दिवाकर यानि कांचमापानि या कार्यार्थानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ खगाय नमः भास्कराय नमः रवये नमः दिवाकराय नमः दिनेशाय नमः ॐ वारवे नमः। भास्कर भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। ओम यही सूर्यां सहस्रांश तेजो राशि जगत्पते अनुकंपा मां भक्त्या ग्रहणार्घं दिवाकर यानि कांचपापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम द्रवये नमः खगाय नमः सवितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ॐ सूर्याय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ यही सूर्यां। सभी लोग आराम से करें। ॐ यही सूर्यां सहस्रांश तेजो राशि जगत्पते अनुकंपा मां भक्त्या ग्रहणार्घं दिवाकर यानि कानि च पापानि ज्ञातानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ भास्कराय नमः रवये नमः प्रभाकराय नमः दिवाकराय नमः। सभी लोग बड़े आराम से भगवान भास्कर का अर्घदान करें, छठी मैया को नमन करें, प्रणाम करें, वंदन करें। ओम यही सूर्यां सहस्रांश तेजो राशि जगत्पते अनुकंपा मां भक्त्या ग्रहणार्घं दिवाकर यानि कांचपापानि ज्ञातानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ दिवाकराय नमः ॐ दिनेशाय नमः। सूर्य भगवान का अर्घदान करते रहे, जो नहीं किया है जो कर लिए हैं भगवान सूर्य को एक लोटा जल करें, पुनः जल दान करेंगे, भगवान को अर्घदान करेंगे, नमन प्रणाम करेंगे और भक्ति भाव से भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना घर परिवार सुख संपन्नता के साथ है, दुख कष्ट पीड़ा भय शोक नाश हो, सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, यह भगवान भास्कर से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और सर्वे भगवत सुखिना सर्वे सुख सुखिना सर्वे भगवान प्रसन्न हो, मां का चित्त भाग है, सभी के दुख दूर हो जाए, सभी के कष्ट दूर हो, सभी की पीड़ा दूर हो, सभी सुखी संपन्न स्वास्थ्य लाभ देते हुए यह भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए इनका पूजन अर्चन करें, भगवान को नमन करें, प्रणाम करें, वंदन करें, इनका अभिनंदन करें भगवान भास्कर को। और आप लोग
बाद भी वहां जल रहा है, आरती सुपले में जल रही है, आरती सुपले में आपके जल रही है। एक आरती उठा करके भगवान भास्कर के लिए खड़ा हो करके किनारे आप आरती अवसर में यह गंगा आरती आरंभ हो जा रही है। अगर आप लोगों ने अर्घदान कर लिया है तो एक एक दीपक लेकर के एक एक दीपक लेकर के यहाँ किनारे आइए और गंगा आरती करिए। आप लोग गंगा आरती करने के लिए हम लोग एक एक दीपक अपने सूर्य पर से लेकर के आ जाइए और यहाँ सूर्य भगवान के प्रणाम के बाद यहाँ गंगा आरती करिए। गंगा आरती की व्यवस्था आपके हाथ में है, आप दीपक लेकर के आए और अगर दीपक यहाँ है तो किनारे पे यहाँ भी लगी हुई है वही दीपक उठा करके आरती कर लें, वही दीपक ले लें और आरती कर लें। आरती जो हो रही है आप लोग